मेरी सर्वाइवल सीरीज के स्पॉन कर दिया गया है सर्वाइवल सीरीज की शुरुआत, बट क्या स्पॉन दिया है भाई, एक ब्लॉक के ऊपर लिटरली अगर मैं स्लिप किया तो मैं मर गया। एंड जंप करो, 3 2 1 जंप। एंड जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ऐसा होना चाहिए सब्सक्राइब का बटन। भाई तू ही पहले बोल ले। काजू का आप सभी को नमस्कार एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ। सो ये है ताजुक, इसका नाम है ताजुक। काजुक ये ताजुक का छोटा भाई है। ताजुक का आपने देखा होगा एमसी एडम के, सो आपने एमसी एडम को तो देखे होगा, उसमें नहीं ताजुक है, ये उसी का छोटा भाई है काजुक। ये मेरा कैमरामैन है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं पूरी इसे तोड़ देते हैं एंड इसे तोड़ने के बाद हम इसी से टूल्स बना लेंगे। बिग ब्रेन, इससे ही टूल्स बना करके हम लोग क्राफ्टिंग टेबल वगैरह सब बना करके एंड देन हम लोग जाने वाले हैं स्टोन का सामान बनाने, क्योंकि मेरे बगल ही में स्टोन है जस्ट, तुम लोग देख ही सकते हो। एंड ये ट्री किसी काम तो नहीं आएगा, देखो कितनी हाइट में लिटरली मुझे स्पॉन किया गया था, अभी भी बहुत हाइट है वैसे में। तो मैं इस स्टोन को तोड़ लूँगा, पहले सबसे पहले मुझे चाहिए उसके लिए वुडन प्लैंक एंड वुडन प्लैंक सारे ले लो। एंड अब हम लोग को चाहिए क्राफ्टिंग टेबल फॉर क्राफ्ट समथिंग, कुछ ना कुछ क्राफ्ट तो करना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए क्राफ्टिंग टेबल चाहिए हम लोग को। एंड ये क्राफ्टिंग टेबल भी बना ली, स्टिक्स बना ली, तो हम लोग सोलर स्टिक्स से मेरा काम हो जाएगा आई थिंक। ओके सो सोलर स्टिक्स हो गई एंड अब हम लोग को चाहिए क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ रख दो। एंड इस पर हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं एक वुडन एक्स एंड एक वुडन पिकैक्स, शवल भी बना ही लो काम ही आती है। एंड एक बोर्ड वगैरह भी बना लेते हैं, चेस्ट भी बना लेते हैं, क्योंकि बोर्ड देखो यहाँ पे आइलैंड है या फिर क्या है मुझे अभी कुछ कंफर्म नहीं है, सो मुझे बोर्ड बनाना भी ज़रूर रहता है। सो इसे इक्विप कर लो एंड अब चलो इसे तोड़ दें। सो जल्दी से इसे तोड़ देते हैं। एंड भाई ये मेरा लकी डे नहीं है, क्योंकि भाई ऐसी जगह स्पॉन किया गया है, अभी आधा घंटा मुझे लग जाएगा यहाँ से नीचे उतरने में। हाँ मतलब एक तरह से तो है, मुझे इतनी जल्दी वो मिल गया कॉबलस्टोन, बट हाँ कॉबलस्टोन इतना कुछ अच्छा भी नहीं होता। हाँ अगर मुझे थोड़ी जल्दी मुझे कुछ आयरन वगैरह या गोल्ड वगैरह मिल जाए तो फिर अच्छा है, डायमंड फर्स्ट। सो इसे जल्दी जल्दी तोड़ लेते हैं क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है वैसे इसमें। अरे अरे मैं क्या कर क्या रहा हूँ। सो जल्दी जल्दी से तोड़ो, जल्दी जल्दी तोड़ो। मैं सोच रहा हूँ कि हाँ देखो सामने कोल भी है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ इसे तोड़ तोड़ के एंड अब हम लोग जाने वाले गोल्ड को लेने, अरे कोल को लेने, गोल्ड कहाँ से ले लूँगा भाई, कोल को लेने। सो यहाँ पे कोल अच्छा खासा कोल मिल जाएगा, कम से कम 5-6 कोल तो है ही यहाँ पे। एक कोल नंबर 1, कोल नंबर 2 एंड कोल नंबर 3 दे दो, कोल फ्री, कोल नंबर 4, कोल नंबर 5। ओ माय गॉड मुझे इतनी जल्दी वो भी मिल गया। अब तो क्राफ्टिंग टेबल रखो एंड सबसे पहले अपनी वुडन पिकैक्स बनाओ एंड वुडन एक्स बनाओ एंड अब चलो आयरन को माइनिंग करने। सो आयरन को तोड़ो, सबसे पहले कोल को हटाओ, मतलब हाँ समझ आते हैं ये आयरन है, इतनी खुश नहीं होना चाहिए मुझे, बट ब्रो आयरन इतनी जल्दी मिलना भी तो खुशी की बात होती है। मुझे लिटरली अभी 4 मिनट नहीं हुए वीडियो स्टार्ट करते ही एंड मुझे आयरन मिल गया वो, और विदाउट एनी स्किपिंग। मैंने आपके सामने देखो वीडियो स्टार्ट की एंड मैंने थोड़ा सा स्किप नहीं किया वीडियो को आगे, मतलब अभी भी थोड़ी सी भी नई वीडियो काटी है एंड इतनी जल्दी आयरन, अभी मजा आएगा ना बिल्कुल। अपने पास आयरन ही आयरन होगा, कम से कम ये 7-8 आयरन तो होंगे ही भाई, इतना आयरन है कम से कम 7-8 आयरन तो होंगे ही एंड 7-8 आयरन से मैं क्या ही ना बना सकता हूँ। आयरन की पिकैक्स, आयरन की स्वॉर्ड एंड सबसे पहले बकेट बनानी पड़ेगी, 10 आयरन। देखा मेरा अंदाजा एकदम सही रहता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि फर्नेस बनाना पड़ेगा। देखो फर्नेस के लिए दिख रहा मुझे आयरन, तो एक फर्नेस बना लिया, अब जाओ फर्नेस कहाँ गया मेरा, ये रहा
फर्नेस को ले लेते हैं इस चाचा की वजह से, एंड यहाँ कहीं लगा दो फर्नेस को। एंड अब इसमें जल्दी से हम लोग आयरन वगैरह को अपने मेल्ट कर लेते हैं। जब तक ये आयरन मेल्ट हो रहा है, मैं कोल से क्यों कर रहा हूँ, कोल से तो मैं स्टिक से भी क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो टॉर्च भी बनानी है अभी। शिट, मैं पगला गया हूँ, मैं इससे करता हूँ। हाँ, सो मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये सब काम हो जाने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मेरे ख्याल से फुल्ली अभी तो नहीं हुआ था, तो यार कोई ज़ॉम्बी वॉम्बी ना है, इसलिए मैं थोड़ा कवरेज लगा दे रहा हूँ। पता चला ज़ॉम्बी आ गए, फर्स्ट डेट एट फर्स्ट एपिसोड एट 5 मिनट्स, यू नो बड़ा गंदा लगेगा सुनने में इसीलिए। एंड ठीक है, मैं वहीं पे लगा दूंगा। अब चलो नीचे उतरो। एंड मैं आप लोग को 2 मिनट में मिलता हूँ, जब तक सुबह उबह हो रही है, क्योंकि मैं अपने आप को सोच रहा हूँ कवर कर लूँ या दा करूँ। नहीं, यहीं पे मैं रुक जाता हूँ, यहाँ पे कोई ज़ॉम्बी आने का तुक नहीं है। तो ओके गाइस, हम लोग का सारा आयरन मेल्ट हो गया, हम लोग के पास टोटली 10 आयरन। तो मैं सोच रहा हूँ नीचे जाने से पहले हम लोग क्या कर लें, हम लोग अपना सारा वर्क कम्प्लीट कर लें। एंड तो ये सारा वर्क कंप्लीट, मैं सोचा तो सारा वर्क कंप्लीट कर लेंगे, बट मैंने सोचा देन के मेरे पास, मैं सिर्फ सॉर्ड एंड वो बनाता हूँ। नीचे कैसे जाए, मैं सोचा हूँ हम लोग के पास एक बकेट भी होनी चाहिए ताकि हम लोग वाटर को कलेक्ट कर सके। भाई हाफ हार्ट का डैमेज, बहुत दिल से बुरा लगा। चलो कोई नहीं, स्केलेटन भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें मारना पड़ेगा, अभी मरना पड़ेगा ना भाई। मैं प्रो नहीं हूँ भाई, मैं प्रो नहीं हूँ भाई। अच्छा यार, मैं अभी प्रो कहाँ हूँ, जब मैं प्रो हो जाऊँगा तब मेरे से लड़ने आना। अभी मत आओ, अरे तेरी ऐसी की तैसी, रुक रुक, तू तेरी ऐसी की तैसी, बक तेरी बक, नहीं तो बक गया। इतनी देर से दिमाग का आया था, वो देखो पेड़ों पर मैंने क्या हालत कर दी है। वाह वाह, क्या सीन है। अब चलो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जल्दी से जाके कोई विलेज मिल जाए तो ज़्यादा सही रहेगा यार, विलेज, क्योंकि देखो विलेज अगर मैं किससे माइन कर रहा हूँ इसे, व्हाट मेरे पास ये भी नहीं है, रुको ये तो गजब बेचती है। मैं पहले सबसे पहले इतना आयरन रखा है, उसका मैं क्या करूँगा। ऐ टूल्स क्यों नहीं दिख रहे हैं, ओ मेरे पास स्टिक्स ही नहीं है, तो कहाँ से टूल्स टूल, अच्छा मेरे पास स्टिक्स नहीं, भूल गया मैं, इनको रखो एंड इनकी जगह स्टिक्स बनाओ पहले की तरह। जितनी स्टिक्स बन सकती है मैं सारी स्टिक्स बना लेता हूँ। एंड ओके, सो अब हम लोग बना सकते हैं, हम लोग सबसे पहले आयरन की अपनी एक स्वॉर्ड बनाएंगे, एंड देन हम लोग आयरन की पिकैक्स बनाएंगे, एंड देन अब हम लोग को शवल वाटर बकेट चाहिए। हाँ बकेट चाहिए, बकेट को तो मैं भूल ही गया, यस बकेट। सो ओके, एंड ये हो गया ये, हाँ शवल भी चाहिए थी अपने को। एंड अब हम लोग को क्या करना है, अपने स्टोन के टूल्स को अंदर रख दो, इसे तोड़ो इसे, एंड फिर उसके बाद ब्लॉक कहाँ भाई, अच्छा ये रहा कोबल स्टोन, मैं भूल ही जाता हूँ भाई, पगला जाता हूँ कभी कभी, तो ये रहा मिल गया। एंड चलो 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 अब जल्दी से चलो, एंड इसमें यही यहाँ पे तो स्पीड रन करने में बड़ा मजा आता है भाई। 3 2 1 स्टार्ट, ये थोड़े से एंड रन 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 लेट्स रन। मैं सोच रहा हूँ कि कोई ऊंची जगह मुझे मिल जाए, तो यहाँ से भी कोई ऊंची जगह है क्या, वो देखो वो वाला फ्रेयर सबसे ऊंचा दिख रहा है मुझे। एंड ओ ओ, 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 ओ क्या कर रहा हूँ मैं, अभी मुझे बड़ा तगड़ा वाला डैमेज पड़ना आ जाता। सो मैं सोच रहा हूँ कि मैं और स्पीड में भागूँ। जय माहेश्वरी, मैं कितना प्रो हूँ ना यार। सो ओके, सो मुझे वहाँ से ये वाले पेड़ी में मुझे जाना पड़े, फिर से डैमेज लेना पड़ेगा। जय डैमेज, अरे बच गए, अरे पड़ गए डैमेज। तो मैं सोच रहा हूँ इस वाले पेड़ के टॉप में जाऊँ, एंड यहाँ से जाके देखूँ कहो हम लोग को आस पास कोई विलेज मिल जाए। अरे ये मैंने तोड़ के लिए,
चलो कोई नहीं, इसे भी खोल लेते हैं एंड इसे भी तोड़ दो, इसे नहीं तोड़ना था। अरे यार मैं पता नहीं क्या किया क्या था। ओके सो ओके एंड ओ मुझे वहाँ पे एक दिख रहा है आई थिंक। ओके सो मैं इस तरफ आ चुका हूँ एंड यहाँ पे ये पेड़ मेरे अटकन क्यों पड़ना है ट्रेन में। ओके सो मैं कहाँ पे था, हाँ तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ एंड वहाँ पे मेरा एक मिराज था, मुझे लगा कुछ है अच्छा कुछ होगा को विलेज मिल जाए, बट वहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ तक कि प्लेन्स भी नहीं था वहाँ पे, सिर्फ वो मशरूम वाले ट्रेन ही होते वो थे एंड मुझे लगा कि वो व्हाट ए मेरे को हेलमेट देना हेलमेट देना हेलमेट देना गोल्ड का हेलमेट देना, बड़ा मन उसे गोल्ड का हेलमेट नहीं दी तेरी ऐसी तैसी। नीचे से आ रहा है, मुझे तेरे से लड़ना ही है, वैसे भी मेरे हंगर बार और हेल्थ दोनों ही कम है तो मुझे तेरे साथ टाइम पास नहीं कर रहा है। ओके सब हम लोग चलते हैं, उधर प्लेन है भाई साहब, प्लेन से वहाँ पे व्हाट रूइन पोर्टल भाई, आज तो मेरा कसम से लकीस्ट डे है माइनक्राफ्ट का। सो यार रूइन पोर्टल मेरे को लूटना है आज, रूइन पोर्टल में तो मैं पूरा लूट लूँगा, चेस्ट प्लेट मिल गई वो भी प्रोटेक्शन 3 वाली भाई और गोल्डन कैरेट्स भाई, क्या ही क्या मिल रहा है भाई आज तुम्हें, भाई तुम्हारे भाई का लकीस्ट डे था आज, है था क्या मतलब है, मैं सोचा इसको क्या फ्लिंट कर दूं क्या, लेकिन रूइन पोर्टल को भी फ्लिंट करके मैं करूंगा पीछे, इसके कोऑर्डिनेट्स मैं याद कर लेता हूँ एंड बाद में जब हम लोग को काम पड़ेगा यहाँ पे तो मैं आ जाऊँगा। अरे जो है सब दे दो, चेस्ट भी ले लो, मैं अभी इतना गरीब हूँ मैं पूरा चेस्ट नहीं छोड़ता। हाँ ओके सब मैं तुम्हारा भाई को देखो यहाँ साइड में क्लोन में तुम्हें दिख ही रहा होगा कितना मस्त लग रहा हूँ मैं एंड अब पिकैक्स लेके चलो। मैं सोच रहा हूँ मैग्मा ब्लॉक को भी क्यों छोड़ू, मैग्मा ब्लॉक वैसे भी कुछ काम आते हैं मैग्मा ब्लॉक, बट हम लोग को अगर अपने घर में लिफ्ट बनानी पड़ेगी तो मैग्मा ब्लॉक काम आए। अरे अरे लावा 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 तू यहीं रह। ओके सो इसे यहाँ पे ढक दो एंड मैं तो भाई गोल्ड के ब्लॉक्स भी हैं तो मैं तो जा रहा हूँ भाई गोल्ड के ब्लॉक्स और ये मैग्मा ब्लॉक्स लेने भाई तो। अरे क्या 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 भाई हार्ड दिल से बुरा लगता है भाई जब इतना कस के वाला डैमेज पड़ता है। सो इसे तोड़ो एंड ले लो एंड अरे यार ये पेड़ निकलने लगा तू यहीं रह। हाँ मेरे पास एक आइडिया है ना, मेरे पास एक मस्त वाला आइडिया, मेरे पास वाटर बकेट तो है ही, तेज वाटर बकेट को इसकी जगह लो एंड वाटर बकेट से यहाँ पे इसे लावा कर लो एंड उसे एक्टिवेट कैसे करते हैं मैं नहीं जानता, मैं बाद में करूँगा इसके कोऑर्डिनेट्स याद कर ले रहा, बाद में आऊँगा मैं यहाँ पे एंड इसे एक्टिवेट करूँगा। ओके सो सबसे पहले यहाँ पे मुझे डालना है वाटर एंड वाटर से सब जगह कॉबलस्टोन की बन जाएगी, कॉबलस्टोन नहीं हाँ चल मेरा ब्लॉक ही चला बा मैं इस पर बिल्कुल रिस्क। सो ओके मैं यहाँ पे बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता अपने गोल्ड के ब्लॉक के साथ तो इसलिए मैं यहाँ पे गायब हो गया ना, बस सही है अब मैं इसको इत्मीनान से तोड़ूंगा एंड ओके मिल गया मुझे गोल्ड का ब्लॉक। हाँ वो मुझे पता है, अभी तुम लोग नीचे कमेंट में करोगे कि भाई गोल्ड का ब्लॉक किसी काम का नहीं होता, गोल्ड के सारी चीज़ें तो बेकार होती है। अरे भाई मुझे पता है लेकिन जब तक मेरे पास फुल नेदराइट फुल डायमंड या फुल अभी तो आयरन का भी मेरे पास नहीं है। हाँ हाँ आगे चल के मेरे पास सब सारे आएंगे, नेदराइट तक का तुम्हारे भाई के पास आएगा लेकिन सबसे पहले अभी जो मिल रहा है मुझे पप्पी ले रही पहले बन जाता हूँ मैं। ओके सो मैं सोच रहा हूँ कि इस पोर्टल को एक्टिवेट करूँ या रहने दो यार क्या फ़ायदा एक्टिवेट करके भी। सो यहाँ पे मैं वाटर डालो एंड इस वाटर को वापस उठाओ एंड यहाँ वाटर डाल दो एंड इस लावा को उठाओ एंड इसे थोड़ा यहाँ फेंक दो एंड इस लावा को उठाओ एंड इसे कोपचे में फेंक दो एंड उस लावा को भी उठाओ एंड उसे 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 उधर कोपचे में फेंक दो, सबको इधर उधर फेंको एंड अब बात आई है इसकी तो इसको मैं तोड़ देता हूँ। ओके डन एंड मेरे पास ओके सो मैं सोच रहा हूँ कि इसे यहीं पड़ा रहने दो एंड आयरन की पिकैक्स है तो मेरे पास तो मैं जल्दी से इसे तोड़ूँ एंड इसे भी तोड़ो। सो अब मैं आराम से इत्मीनान से गोल्ड को देता हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं। ओके सो गोल्ड ब्लॉक आ जा, अरे यार ये इतना दूर है, मैग्मा ब्लॉक हट भाई, देख रहे हो मेरे आयरन की पिकैक्स को कितनी तेज माइन कर रही है। ओके सो अब मैं सोच रहा हूँ
कि क्यों ना हम लोग यहाँ से थोड़ा रवाना हो ले, निकल लें यहाँ से शांति से, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पे अभी रात हो रही है एंड ज़ॉम्बी आने वाले हैं। एंड मेरे पास लिटरली अभी तक मेरे पास बेड नहीं है, ये सेकेंड डे है मेरा, बट मेरे पास बेड नहीं है। एंड इसको मारो, एक शीप मिल तो मिली कम से कम भाई, दो इसके बाद दो शीप और मिल जाए तो मज़ा आ जाए। दो शीप, अरे कहाँ गई शीप, SHWP शीप मिल गई मुझे, शीप मिल गई मुझे। गुड बाय शीप, नाइस टू मीट यू। तो मुझे दो शीप मिल गई एंड अब जल्दी से निकलना पड़ेगा, एक शीप और, या फिर मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं फिर से अपने आप को पैक करके 4x4 का बना के निकल लूँगा, क्योंकि भाई मैं जानता हूँ यहाँ पे मैं मर सकता हूँ एंड मैं मरना नहीं चाहता। मेरे को अपनी फर्स्ट डेथ चाहिए 2000 एपिसोड में, क्योंकि वो होंगे नहीं एंड मैं मरूँगा नहीं, मैं अमर हूँ। नहीं मैं मर सकता हूँ, लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं होता। मेरे पास बोट पड़ी है, रुको यारी बोट, मैं सोच रहा हूँ कम से कम, क्योंकि देखो मेरे पास खाना भी कम है एंड फर्स्ट थिंग इज दैट कि पानी में ज़ॉम्बी इतनी तेज चला नहीं पाएंगे जितनी तेज मैं बोट से निकल जाऊँगा। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि बोट चलाने में आपका हंगर वार भी नहीं ख़त्म होता है, तो इससे मैं यू नो जिंदा बच सकता हूँ, तो इसीलिए मैं यही करने वाला हूँ। एंड वहाँ से एक क्रीपर आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ इस आइलैंड से बाहर निकलूँ, लेकिन इस आइलैंड में तो रुइन पोर्टल है। हाँ निकलूँ क्या, रुको निकलता नहीं हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं यहीं पर रह लेता हूँ, नहीं जाऊँगा यहाँ से कहीं, लेकिन एक तू क्या करना है, मेरे लास्ट वीडियो के एंड में भी आ जाते हैं अपनी शक्ल ले करके। हाँ सो मैं ये कह रहा था कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं आराम से यहीं पर रहता हूँ एंड यू नो यहाँ पे रह के सर्वाइवल सीरीज़ का पार्ट टू भी मैं यहीं पे बनाऊँगा अभी, क्योंकि भाई ये आइलैंड में बहुत सारी चीज़ें एडवेंचरस हैं, अभी तुम लोग ने देखा ही क्या है। अभी तो मेरा बच्चा बड़ा हुआ है, अभी ये पूरा जब बड़ा हो जाएगा सर्वाइवल सीरीज़ पूरी यहीं हम रहेंगे। तो जी उनको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड मिलते हैं आप लोग को अगली वीडियो में, तब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग।